हमारे साथ है संकल्प गुप्ता, जो अभी अभी इंटरनेशनल मास्टर बने हैं गोवा इंटरनेशनल टूर्नामेंट के दौरान। संकल्प, कैसा लग रहा है आपको इस उपलब्धि के बाद? सबसे पहले ये बताइए। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम लग गया लेकिन आखिरकार बन गया। आप मुझे बताएंगे आपने शतरंज खेलना शुरू कब किया था? जब मैं साढ़े चार साल का था तब। ओके, तो किसने आपको खेलना सिखाया, कैसे, थोड़ा जर्नी के बारे में बताएंगे अपने? मेरे बड़े भाई बहन खेलते थे तो सर उनको सिखाने आते थे, तो मैं भी साथ में बैठता था उनके साथ, और फिर उन्होंने, वो बड़े हो गए, उन्होंने पढ़ाई की वजह से छोड़ दिया और मैं ही खेल रहा हूँ। तो आपके पेरेंट्स को बताया आपने जब, तो उनका कैसा रिएक्शन था, कितना इंतज़ार कर रहे थे वो आपके ऊपर? प्रेशर था या बस कि कभी बनेंगे चलेगा ऐसा था? थोड़ा प्रेशर तो था क्योंकि इसके पहले भी 2-3 बार मिस हो गया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, मम्मी पापा दोनों बहुत खुश थे जब बन गया था। उन सबसे पहले उनसे ही बात किया था। आपने पढ़ाई में भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि खेल को, उनको लगता है कि खेल खेलेंगे तो बच्चे पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे? आपके 91% थे 10th बोर्ड में, तो क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को कि बच्चों को शतरंज में खेलने से मदद मिलती, क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि शतरंज खेलने से मदद मिलती है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत इम्प्रूव होता है और मेमोरी भी बहुत इम्प्रूव होती है, तो मैं तो सबको बोलूँगा कि शतरंज खेलना चाहिए। अच्छा, एक बात और ये पूछना चाहता हूँ कि अमूमन आप कितने दिन स्कूल में प्रेजेंट रहते होंगे जब आप इतने दिन शतरंज खेल रहे हैं? क्लास 9 थी, 10 थी, हायर क्लासेस थे, तो एक साल में कितना चेस खेलते थे और कितने समय स्कूल का वर्क कर पाते थे? 10th में तो मैं शायद 2 महीने स्कूल जा पाया था, हाँ, और बाकी टाइम चेस खेल रहा था। उसके बाद भी आपने 91% लिए, तो जो लोग देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि खेल ये ऐसा है कि अगर आपका बच्चा शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है तो वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। संकल्प, अगली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा बताइए कि ये तीनों नॉर्म आपने कहाँ कहाँ किए और कैसे किए? मेरा पहला नॉर्म 2016-17 डिल्टन कप में हुआ था, सेकेंड नॉर्म मेरा 2018 अबू धाबी में हुआ था, थर्ड नॉम भी 2018 वर्ल्ड यूथ ग्रीस में हुआ था अंडर 16, फिर चौथा नॉम अभी एशियन कॉन्टिनेंटल चाइना में हुआ। और ये जो आपकी जर्नी रही है शतरंज के दिनों, तो किस, कौन कौन कोच रहे जिनकी मदद से आप यहाँ तक पहुँच पाए? मेरे शुरुआती कोच नैनदीप सर, नैनदीप कोटांगले थे, फिर उसके बाद गुरप्रीत सिंह महाराज थे, फिर उसके बाद स्वयंस मिश्रा थे, और अभी स्वप्निल धोपाड़े हैं, और हर्ष कनौजे मेरे साथ, वो नैनदीप सर के साथ मतलब तब से थे और वो मदद करते हैं। अच्छा, ये एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि आप नागपुर के रहने वाले हो और भारतीय शतरंज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरह से भारत ग्रो करेगा और आपका क्या एम है, अब अगला ग्रैंड मास्टर कब तक बनना चाहते हैं? भारत ज़रूर बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत यंगेस्ट GM भी हमारे देश का ही है और बहुत सारे यंग GMs और IMs हैं, तो ज़रूर भारत बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और मेरा टारगेट है कि 1 साल के अंदर GM बनना है। 1 साल के अंदर ग्रैंड मास्टर बनना, तो मुझे लगता है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चेस बेस हिंदी हमने चैनल शुरू किया है हिंदी भाषा में, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखा है आपने? हाँ, मैंने कभी कभी रिपोर्ट्स फॉलो करता हूँ उसके भी, जो लोग, बहुत लोगों को इनसे फ़ायदा होता है, उसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, थैंक यू।